डीएम प्रदीप कुमार झा ने समाहरणालय के सभागार में प्रेस को संबोधित करते हुए न्यूमोनिया से बचाव के लिए पीसीवी वैक्सीन लगाने की अपील की। डीएम ने बताया कि पीसीवी वैक्सीन की शुरुआत बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के 35 राज्यों से होगी। बिहार के 17 जिले से 19 जुलाई से न्यूमोनिया से बचाव के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन की शुरुआत होगी। डीएम ने कहा कि दुनिया में 5 साल से लगभग 10 लाख छोटे बच्चे न्यूमोनिया से मरते हैं, जिसमें हर पांचवा बच्चा भारत से है। उन्होंने कहा कि इस वैक्सीन से 5 वर्ष तक के बच्चों की मृत्यु दर में कमी आएगी। कुल 139 देशों में वैक्सीन का इस्तेमाल होता है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि 2005 से यह टीका निजी अस्पतालों में दिया जा रहा है। डीएम ने आगे कहा कि यह टीका 3 डोज में दिया जाएगा, पहला 6 सप्ताह, दूसरा 14 सप्ताह और बूस्टर 9 माह पर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखना हम सबों की जिम्मेदारी है। इसके लिए डीएम ने न्यूमोनिया से बच्चों को बचाने के लिए समाज के लोगों से सहयोग की अपील की। डीएम प्रदीप कुमार झा ने प्रत्येक बुधवार और शुक्रवार को बच्चों को निकट के प्रतिरक्षण केंद्र पर टीका लगाने की सलाह दी। इस मौके पर डॉक्टर सीएम सिंह और यूनिसेफ के पदाधिकारी भी मौजूद थे। देखा है कि हमारा जो प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन उस तरह का पहुंच नहीं है और उन पॉकेट्स में हम अभी तक उस पहुंचे तो है, लेकिन उस तरह हमारा परसेंटेज उतना नहीं है जैसा कि होना चाहिए। और उम्मीद ये है, जैसा कि डीआईओ साहब भी बता रहे हैं, कि माँ बाप के लिए हर एक बच्चा उतना ही प्यारा और इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपके 4 बच्चे हैं तो आपका प्यार बढ़ जाता है और आपका एक ही बच्चा है तो उससे ज़्यादा प्यार होता है। आपके 4 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, समान कोशिश करनी चाहिए कि 4 और 6 बच्चे ना हों, वही ठीक होते हैं। लेकिन अगर 4 और 6 भी हों तो वो स्वस्थ रहे ताकि वो आगे जिम्मेदार नागरिक बन सके। तो परसेंटेज में हम देखेंगे कि हमारा 60% है, 65% है और बढ़ के 80% हो गया तो उपलब्धि है, लेकिन आपके 20% बच्चे छूटे हुए हैं तो ये प्रॉब्लम की बात होती है। तो एक बच्चा भी नहीं छूटे, ये स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी है और जो अभिभावक है, जो पेरेंट्स है, ये उनका भी दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को, क्योंकि हमारे सारे इम्यूनाइजेशन सेंटर्स फंक्शनल है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो कोई कारण नहीं बनता है कि क्यों हम अपने बच्चे को और इससे संबंधित किसी भी प्रकार की भ्रांति ना पाले। हम सारे लोग उसी प्रकार के इम्यूनाइजेशन से आए, हमने अपने बच्चों को भी वही इम्यूनाइजेशन दिलवाया है, इसलिए कोई भी ये ना सोचे कि इससे किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होता है या फिर इससे कोई और बीमारी या कमजोरी होगी, ऐसी बात नहीं है। ये 100% सेफ है और जो जो समृद्ध राज्य है वहाँ पर इम्यूनाइजेशन भी ऑलमोस्ट 100% है। आप केरला में जाके देख लें, तमिलनाडु में जाके देख लें, वहाँ पे क्या है इम्यूनाइजेशन का, WHO से हमारे साथ बैठे हुए हैं, 90% है, जबकि बिहार में 61, वो तो दूसरा रूपा होता है, 60, वही हायर दी परसेंटेज। हर चीज़ से ये है ना कि आपको बाद में डिजीज लोड कम होगा, आपके बच्चे हेल्दी रहेंगे तो बाद में उसके स्वास्थ्य पर सिस्टम को कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आप करेंगे तो आप देखते हैं कि ये और ये मुफ्त की चीज़ है, इम्यूनाइजेशन में एक पैसा नहीं लगता है। ये भी रिपोर्ट करें, अगर कहीं पर 2 रुपया 5 रुपया भी मांगता है तो इट शुड बी ब्रॉट टू आवर नोटिस। सड़क पे चला रहे हैं या पार्क के रूप, जिससे कि लोगों के जान माल की सुरक्षा पर प्रश्न उठे, उसके लिए और भी कानून की धाराएं हैं, उनके माध्यम से उनको पनिश किया जा सकता है। तो आप जो बता रहे हैं उसके बारे में हमारी ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है SP साहब के साथ में, इसलिए हम बहुत जल्दी इसका समाधान भी ढूंढ रहे हैं। साथ में कुछ और पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक की दिक्कत होती है वो इसलिए होती है कि जितने भी टेम्पूज ऑटोज चल रहे हैं वो कहीं भी रुक के पैसेंजर को बिठा लेते हैं। तो अगर एक डेडिकेटेड ऑटो स्टैंड हो जहाँ पे कि जनता को भी मालूम हो कि वहीं से लेना है, तो वो लार्ज एक्सटेंट वो भी एबल टू कर दे, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें कुछ लिखना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर एक साथ 50-100 टेम्पू ऑटो पार्क किए जा सके। हम कर रहे हैं, उसके लिए बैठक बुला रहे हैं,
इधर आए, हमारी बात नहीं सुन पा रहे।